हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बाँझपन। तो बाँझपन मेल और फीमेल दोनों में होता है और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिस्पॉन्सिबल होता है और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि इनफर्टिलिटी कहते किसको है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मेल और फीमेल का जो कपल होता है, जो जोड़ा होता है, अगर वो एक साल या इससे अधिक समय तक बिना किसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के क्वाइटस करता है, मतलब फिजिकल रिलेशन बनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कंसेप्शन नहीं होता, तो इस प्रक्रिया को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब अगर हम इनफर्टिलिटी के टाइप की बात करें तो इनफर्टिलिटी के दो टाइप होते हैं। इनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं बाँझपन। अब टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी की, तो ये दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी फीमेल एक साल तक प्रॉपर वो क्या फिजिकल रिलेशन में रह रही है किसी भी तरह के बिना कंट्रासेप्टिव डिवाइस के, लेकिन फिर भी उसको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, मतलब फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें क्या होता है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी फीमेल है, अगर वो पहली बार माँ बन चुकी है, पहली बार उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, लेकिन दूसरी बार जब वो फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, उस दौरान वो लगातार एक साल तक या उससे अधिक समय तक क्या करती है? बिना किसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के वो फिजिकल रिलेशन बनाती है, लेकिन इसके बावजूद उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि फीमेल ने कभी प्रेगनेंसी कंसीव की ही नहीं, और सेकेंडरी का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, लेकिन दूसरी बार जब वो कोशिश करती है तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अब अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें कि कितने प्रतिशत ऐसे कपल होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है, तो लगभग 10 से 15% ऐसे कपल होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है, मतलब उन्हें बाँझपन पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इनफर्टिलिटी के कारण की बात करें, मतलब बाँझपन के जो कारण है उनके बारे में बात करें, तो देखिए महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं बाँझपन के लिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो अगर हम फीमेल को लेते हैं, अगर हम फीमेल की बात करें तो जो फीमेल होती हैं वो 40 से 50% तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अगर हम मेल की बात करें, मतलब जो पुरुष है उसकी बात करें, तो 30 से 40% पुरुष रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। और अगर मेल फीमेल दोनों की बात करें तो बाकी 10% मेल और फीमेल दोनों बराबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अब हम देख लेते हैं इसके कारण, जिसमें आज हम देखेंगे कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मतलब कि पुरुषों में किस वजह से बाँझपन होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी फॉर मेल में बात करें, मतलब पुरुषों में जो बाँझपन होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में अगर देखें, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें क्रिप्टोचिडिज्म का मतलब होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो जो टेस्टिकल सैक होती है, फिर जो स्क्रोटम होता है वहां पे नहीं आ पाते हैं। जैसे अगर हम फिगर के थ्रू समझें, तो अगर ये स्क्रोटम है तो यहाँ पे टेस्टिस होने चाहिए, यहाँ पे ये पेनिस हो गया। तो जब क्रिप्टोचिडिज्म की कंडीशन होती है तो उस दौरान ये टेस्टिस यहाँ पे नहीं रहते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं? ये ऊपर फंसे होते हैं, जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है या फिर जो इंग्विनल कैनाल होती है वहां पे टेस्टिस क्या होते हैं? फंसे रहते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं। और ये तब देखा जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। जैसे अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट हुई है और उसका जो बेबी है वो मेल बेबी है, तो गर्भ के दौरान ही उसमें सारी चीजें बन जाती हैं, तो जो टेस्टिस होता है वो भी
बन गया रहता है और वो स्क्रोटम में आके डिसेंट हो जाता है। लेकिन जब क्रिप्टोचिटिज्म की कंडीशन आती है तो उस दौरान जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंट नहीं हुए रहते हैं, वो स्क्रोटम में डिसेंट नहीं होते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोचिटिज्म। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेल में इनफर्टिलिटी कॉज करती है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं उसी में स्पर्म के बनने का काम होता है, वही स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो टेस्टिस है अगर वो स्क्रोटम में नहीं है तो फिर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो भी रहा है तो जो स्पर्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो इतना एरिया होता है ये बॉडी के बाहर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो स्पर्म होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए ये जो एरिया है जेनिटल एरिया है ये बॉडी के बाहर रहता है ताकि वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, एक्सक्रीशन हो सके, वो सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर यहाँ पे टेस्टिस नहीं है, अगर वो एब्डोमिनल कैविटी में या फिर इंग्यूइनल जो कैनाल होती है वहां पे है तो फिर वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन अगर हो भी रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है, क्रिप्टोचिटिज्म की कंडीशन है, तो वो इनफर्टिलिटी के कॉज करता है। ये एक कारण है। सेकेंड इसमें है ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, मतलब कि जो टेस्टिस होते हैं उनमें किसी भी तरह की सूजन का होना। ये सूजन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, चोट की वजह से भी होती है, मतलब किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, तो बहुत सारे इसके भी कारण हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि टेस्टिस में किसी भी तरह की सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो इसकी वजह से भी वो क्या करता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, एक तरह से वो बॉचपन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है एबनॉर्मलिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड होती है अगर उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो एक तरह से ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है इनफर्टिलिटी के लिए मेल में, मतलब पुरुषों में ये भी एक कारण होता है किसका, बाचपन का। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है स्पर्मिया। स्पर्मिया का मतलब होता है कि जो सेमिनल फ्लूड है, सेमिनल फ्लूड होता है, इसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन कम होता है। अगर सेमिनल फ्लूड का प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन भी कम होगा तो ये भी एक तरह से एक कारण बनता है इनफर्टिलिटी का मेल में। क्यों? क्योंकि जो सेमिनल फ्लूड होता है उसी में स्पर्म सर्वाइव करते हैं और जो सेमिनल फ्लूड होता है वो एक तरह से उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक वे प्रोवाइड करता है जिसमें वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और आराम से अपनी मोबिलिटी भी करते हैं। लेकिन जब सेमिनल फ्लूड कम रहेगा तो उस दौरान जो स्पर्म होते हैं वो भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो स्पर्मिया की कंडीशन होती है इसमें ये होता है कि जो सेमिनल फ्लूड होता है उसका प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन भी कम होता है, इसलिए ये भी एक कारण होता है पुरुषों में बाचपन का। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो सेमिनल फ्लूड में स्पर्म होते हैं, मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो कम होते हैं। कितना? लेस देन 20 मिलियन। अगर लेस देन 20 मिलियन स्पर्म है, स्पर्म इन सेमिनल फ्लूड, मतलब सेमिनल फ्लूड में अगर जो स्पर्म है वो 20 मिलियन से कम है तो उस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं और ये भी एक कारण है मेल में इनफर्टिलिटी का। अगर हम नॉर्मल देखें तो एक मेल में 100 मिलियन स्पर्म एक बार में इजेकुलेट होते हैं। अगर उसमें इसकी संख्या कम है, मतलब 100 मिलियन से कम है तो भी ठीक है, अगर 80 मिलियन है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 20 मिलियन से कम है, मतलब 20 मिलियन से कम है, तो फिर वो भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। इस पॉइंट है एस्थिनोजू स्पर्मिया। स्पर्मिया मतलब
कि जो सेमिनल फ्लूड होता है, सेमिनल फ्लूड में जो स्पर्म होते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो 50% से भी कम होती है, मतलब उनके जो गति करने की क्षमता होती है वो लगभग 50% से भी कम होती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फर्टिलिटी कॉज करती है, क्योंकि जब इजैकुलेशन होता है, मान लीजिए कि मेल और फीमेल जब फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और जो इसमें जो सेमिनल फ्लूड होता है वो इजेकुलेट होता है, तो जब वो इजेकुलेट होता है फीमेल के वजाइना में, तो उसके बाद उसमें जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं तेजी से वजाइना के थ्रू यूट्रस में पहुंचने की कोशिश करते हैं, यूट्रस के थ्रू फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनकी जो मोबिलिटी होती है, जो उनकी गति होती है वो कम रहेगी, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन का वर्क भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि अगर किसी भी मेल में जो स्पर्म होते हैं उनकी जो क्षमता होती है मूव करने की, अगर वो 50% से कम है, तो वो भी एक कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी का, मतलब बाँझपन का। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट है, नेक्रोजूस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो भी स्पर्म होगा वो बिल्कुल डेड होगा, या तो बिल्कुल वो गतिहीन होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह का मोबिलिटी नहीं होगी, और या फिर यू कह सकते हैं कि वो डेड होंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो ये एक कारण है किसका, इनफर्टिलिटी का। यहाँ पे हम जितने भी कारण पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे कारण किसी भी मेल में देखे जाए, लेकिन अगर 2 से अधिक या 3 से अधिक कारण देखे जाते हैं किसी भी मेल में, तो फिर वहां पे मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो अभी तक हमने 7th पॉइंट देखे, अब हम देखेंगे 8th पॉइंट है टेट्राजूस्पर्मिया। जो टेट्राजूस्पर्मिया होता है, इसका मतलब होता है कि जो मेल में स्पर्म होते हैं उनका जो शेप और साइज होता है वो क्या होता है, वो असामान्य होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। अगर हम इसके शेप और साइज की बात करें, तो जो नॉर्मल स्पर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब उसमें 3 पार्ट होते हैं, ये तो हो गया हेड वाला पार्ट, ये मिड बॉडी, और ये हो गई टेल। तो जब टेट्राजूस्पर्मिया की कंडीशन होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो हेड होता है या तो ये छोटा होगा या तो बड़ा होगा, जो टेल होगी ये 1 से 2 भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होगा उसको मूव करने में भी दिक्कत होगी। इसके बाद जो बॉडी होता है, बॉडी में यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक तरह से एनर्जी जनरेट करता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए। तो या तो ये अब्सेंस हो सकता है, या फिर इसकी जो कार्यशीलता है वो कम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी असमानताएं हो सकती है इसके शेप साइज से रिलेटेड, इसके फंक्शन से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं टेट्राजूस्पर्मिया। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये भी एक कारण है मेल में इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट 9th पॉइंट है हाइपोपैडियास का मतलब होता है कि जो पेनिस होता है उसमें जो ओपनिंग होती है, जो यूरेट्रल ओपनिंग होती है, वो टिप पे ना होकर पोस्टीरियर साइड में होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्क्रोटम हो गया, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो यूरेट्रल ओपनिंग होती है टिप पे, वो यहाँ पे ना होके पोस्टीरियर साइड में आती है। जैसे वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, या फिर यहाँ पे हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब स्पर्म का इजेकुलेशन होता है, जो सेमिनल फ्लूड होता है उसमें जो स्पर्म होते हैं, जब वो क्वाइटस के दौरान उनका इजेकुलेशन होता है, तो वो अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कंसेप्शन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है। ये जो हाइपोस्पैडियास होता है, ये 9 टाइप्स का होता है, मतलब 9 तरह की ओपनिंग इसमें देखने को मिलती है। जो पेनिस होता है उसके टिप वाले पार्ट में ना होके जो यूरेट्रल ओपनिंग होती है वो दूसरे जगह पे हो जाती है, ये 9 तरह की होती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, मतलब अगर ऐसी भी कंडीशन है तो भी वो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है लो लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन, मतलब जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होता है इसका लेवल अगर कम है तो उसकी वजह से भी बाँझपन मेल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें 11th पॉइंट है रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। तो रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो बाहर आने की बजाय जो ब्लैडर होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हम इजली फिगर के थ्रू समझें, तो ये मान लीजिए कि टेस्टिस है, और ये हो गया स्क्रोटम वाला एरिया, यहाँ पे होता है ब्लैडर,
यहाँ पे टेस्टिस। तो यहाँ पे टेस्टिस के बाद जो ये वैस डिफेक्स डक्ट होती है जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो कैरी करते हैं, वो रहते हैं, ये ट्यूब होती है जिसको वैस डक्ट बोलते हैं, जिसमें स्पर्म, जिसके थ्रू स्पर्म क्या होते हैं बाहर आते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है और यहीं से एक डक्ट होती है जो जाती है कहाँ पे, ब्लैडर में। क्योंकि पुरुषों में जो स्पर्म का वे होता है, रास्ता होता है निकलने का, और जो यूरिन से निकलने का रास्ता होता है, दोनों एक होता है। लेकिन महिलाओं में दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। यूट्रस का वे होता है वो अलग होता है और जो यूरिन का वे होता है वो अलग होता है। लेकिन पुरुषों में सिर्फ एक ही वे होता है दोनों में। तो जब रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि यहाँ से स्पर्म चले, इसके बाद इस ट्यूब के थ्रू ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो बाहर ना जाने की बजाय क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं, ये ऐसे ब्लैडर में मूव कर जाते हैं, ये ब्लैडर में चले जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। तो अगर ऐसा होता है मेल में तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मेल में इनफर्टिलिटी का, क्योंकि अब यहाँ पे स्पर्म जो है वो बाहर आ ही नहीं रहे हैं, ये ब्लैडर में चले जा रहे हैं, फिर ये यूरिन के थ्रू आउट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी मेल में इनफर्टिलिटी कॉज करती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, 12 पॉइंट है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हॉर्नियोरेफी। मतलब कि अगर जो मेल होता है उसमें पहले भी क्या होता है कि हार्निया का ऑपरेशन अगर उसका हो चुका है तो इसकी वजह से भी कहीं कहीं मेल में इन्फर्टिलिटी देखने को मिलती है। 13 पॉइंट है इसमें, अब्सेंस ऑफ वैस डिफेंस डक्ट। मतलब कि जो वैस डिफेंस डक्ट होती है वो जन्म से ही अगर ना हो तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मेल में बाष्पन का। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो टेस्टिस होती है वहां से जो स्पर्म को कैरी करने वाला काम होता है वो कौन करता है, वो वैस डिफरेंस डक्ट करती है, एक जो नली होती है वो करती है। तो अगर बचपन से ही ये क्या है, अब्सेंस है, जन्मजात उसमें ऐसी विकृति है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो मेल होते हैं उनमें इन्फर्टिलिटी का। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है, जैसे अगर जो भी मेल है वो बहुत ज्यादा वीक है, कुपोषित है, या फिर उसमें टीबी की हिस्ट्री है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तो ये सब भी छोटे छोटे कारण हैं जो एक तरह से मेल के लिए इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें बाष्पन के लिए कौन कौन से कारण देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।